धारा पर जीने वाला भारत का एक स्वतंत्रता सेनानी, जिसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का प्रस्ताव भी 2011 में भारत सरकार तक पहुंचा था, लेकिन उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। आखिर कौन थे ये सेनानी और क्यों नहीं मिला इन्हें भारत रत्न? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हम आज अपनी इस खास पेशकश में। नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में, मैं हूँ वैशाली। तिरंगे का क्या महत्व है ये एक हिंदुस्तानी से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। ये सिर्फ एक ध्वज नहीं, हमारी आन बान शान है जो पूरे देश की विविधता को अपने अंदर समाये हुए है। आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज पर विचार किया गया था, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कई तरह के झंडों का इस्तेमाल हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए डिजाइन किए गए एक झंडे में कुछ बदलाव किए और उस झंडे को राष्ट्र ध्वज माना गया। इस झंडे की डिजाइन का श्रेय जाता है पिंगली वेंकैया को। पिंगली वेंकैया का जन्म 1876 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ। देशभक्ति इतनी थी कि 19 साल की उम्र में ब्रिटिश फौज ज्वाइन की। वेंकैया गांधी जी से काफी प्रभावित थे और उनकी मुलाकात गांधी जी से पहली बार हुई थी अफ्रीका में। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में बायर युद्ध में उन्हें भेजा गया था। गांधी जी से मिलने के बाद 50 सालों तक वो गांधी जी के साथ बने रहे और जीवन भर उन्हीं की विचारधारा पर चलते रहे। अफ्रीका से वापस लौटने पर मुंबई में रेलवे गार्ड की नौकरी में लग गए। इसी बीच मद्रास, जो अब चेन्नई है, में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन काफी व्यथित हो उठा। उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए। 1916 में पिंगली वेंकैया ने सोचा कि देश का एक ऐसा ध्वज हो जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। वेंकैया की इस पहल को एसबी बोमान जी और उमर सुमान जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। क्योंकि वेंकैया महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह ली। गांधी जी ने उसे इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी। अशोक चक्र जो संकेत था संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की एक पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बना कर लाए और गांधी जी को ये ध्वज दिखाया। गांधी जी को ये ध्वज ऐसा नहीं लगा जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कई विवाद चलते रहे। आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने ये प्रश्न आ खड़ा हुआ कि अब राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने की सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया। आंध्र के ही विजयवाड़ा की एक झोपड़ी में रहते हुए बहुत ही गरीबी में 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। आपको बता दें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली वेंकैया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। किसी ने उनके योगदान और प्रतिभा की सही कद्र नहीं की। 2009 में जाकर उनकी याद में उनकी एक तस्वीर और तिरंगे के डिजाइन के साथ एक डाक टिकट जारी किया गया। 2015 में विजयवाड़ा के आकाशवाणी भवन परिसर में उनकी एक प्रतिमा लगाई गई। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार के साथ ही हैदराबाद स्थित पिंगली वेंकैया चैरिटेबल ट्रस्ट ने वेंकैया को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। वेंकैया को भारत रत्न के प्रस्ताव में हैदराबाद के एक आरटीआई कार्यकर्ता को पीएमओ से जवाब मिला था कि भारत रत्न दिए जाने के संबंध में करीब 6000 पन्नों का पत्राचार और 8 पन्नों की फाइल नोटिंग उपलब्ध थी। इन दस्तावेजों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा गया कि 50 से ज्यादा प्रतिष्ठित जीवित और मृत लोगों को भारत रत्न दिए जाने के प्रस्ताव थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CNR राव को भारत रत्न दिए जाने से पहले बाकी तमाम नामों पर विचार ही नहीं किया गया। और इस तरह एक देश प्रेमी के योगदान और उसकी कुर्बानियों का मूल्य चुकाया गया। आज उनकी जन्मतिथि पर पिंगली वेंकैया को हमारी पूरी टीम की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।